नमस्कार दोस्तों, अपेक्स स्टडीज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में अपन बेसिकली बात करने वाले हैं एमबी प्लॉ की, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का आपका लास्ट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने अपेक्स स्टडीज की ऑफिशियल एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है डाउनलोड नहीं की है तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपके जो टारगेटेड टेस्ट है, टोटल 12 टारगेटेड टेस्ट मैंने वापस से लाइव कर दिए हैं, लाइव टेस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। तो आप जाकर उन टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। वहाँ से आपके बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में या तो उनका कोई अल्टरनेटिव आएगा या कभी कभी वो क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ जाते हैं। तो आप एक बार टारगेटेड टेस्ट दीजिए, और उसके साथ साथ आज की वीडियो के बाद में अपन कल से सुबह 9 बजे आपके लिए लाइव सेशन लाने वाले हैं प्री पीजी के एग्जाम के रिगार्डिंग, जहाँ पे अपन डायरेक्टली 1 आवर में कंप्लीट सोयल साइंस करने वाले हैं। फिर उसके बाद में अपन जो बेसिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे कवर करने वाले हैं अपन फास्ट ट्रैक में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस वहाँ पे कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिन लोगों ने ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर लिया उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, तो उनको मिस नहीं करना है। सुबह 9 बजे कल आपको लाइव मिलूंगा मैं यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के अपेक्स स्टडीज के। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं एमबी प्लो का। एमबी प्लो की बात करें तो एमबी प्लो को बोलते हैं मोल्ड बोर्ड प्लो, और मोल्ड बोर्ड प्लो होता है ये बेसिकली एक प्राइमरी टिलेज का इंप्लीमेंट है। अब बात करेंगे अपन प्राइमरी और सेकेंडरी की, तो ये चीजें अपन ने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो में पढ़ रखी है, जो टिलेज का वीडियो है अपना चैनल पर डाल रखा है, बहुत पहले का वीडियो है, लेकिन वहां पर सब चीजें समझा रखी है कि क्या होता है प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट और क्या होता है सेकेंडरी, किसको प्राइमरी कैटेगरी में रखेंगे किसको सेकेंडरी। तो बेसिकली आपको जानना है कि ये प्राइमरी टिलेज का इंप्लीमेंट है, जिसके बेसिकली मुख्य रूप से 4 कार्य हैं। कौन कौन से 4 वर्क हैं? सबसे पहले बात करें तो कटिंग ऑफ, फर्रो स्लाइस, सेकेंड बात करें तो लिफ्टिंग ऑफ फर्रो स्लाइस, थर्ड अगर अपन बात करें तो टर्निंग ऑफ फर्रो स्लाइस, और फोर्थ बात करें तो पल्वराइजिंग ऑफ सॉइल। अब यहां पे देखो एक वर्ड कॉमन आ रहा है फर्रो स्लाइस, तो फर्रो स्लाइस की बात करें तो फर्रो स्लाइस सरफेस सॉइल को कहते हैं। अपन बोल सकते हैं कि फर्रो स्लाइस ऐसी सोइल को कहेंगे जो सरफेस पर हो, यानी अपन बात कर सकते हैं सरफेस सोइल 0 से 15 सेंटीमीटर होती है, तो ये फर्रो स्लाइस ही होती है। अब यहाँ पे वेट कितना होता है ये भी बहुत टाइम पूछा जाता है फर्रो स्लाइस का, तो वैसे तो अपन ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिया है, लेकिन अगर अपन बात करें तो 2.25 या फिर कभी कभी 2.24 भी आता है, तो 2.25 या 2.24 मल्टीप्लाई बाई 10^6 टन पर हेक्टेयर आएगा आपका फर्रो स्लाइस का वेट। वहीं पे अगर पौंड में बात करें तो पौंड में आपका क्या आता है 2 × 10^6 पौंड पर एकर, तो पर एकर या पौंड पर एकड़ में बात करें तो 2 × 10^6 होता है, और किलोग्राम पर हेक्टेयर में बात करें तो किलोग्राम पर हेक्टेयर में आपका कितना हो जाएगा 2.25 × 10^6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ये फर्रो स्लाइस का वेट होता है। ये भी बहुत बार आता है, तो फर्रो स्लाइस क्या होती है अपर की सरफेस होती है। तो अब देखो यहाँ से ध्यान से देखो क्या क्या कार्य है एमबी ब्लॉक के, तो कटिंग करना यानी फर्रो स्लाइस को काटना, दूसरा उस फर्रो स्लाइस को लिफ्ट करना यानी उठाना, थर्ड आ गया टर्न करना उसको पलटना, और फोर्थ आ गया उसको पल्वराइज करना यानी उसको भुरभुरी बना देना, जिससे वो टिलेज या अपन बात करें क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमम हो जाए, एक अच्छी सोयल बन जाए। जैसे अपन ने बात की कैसे स्टार्ट होगा, देखो सबसे पहले कटिंग ऑफ सॉइल, फॉर एग्जांपल आप सरफेस, आपकी सरफेस ये है, तो यहाँ पे क्या होगा एमबी प्लो आएगा और इसको काटेगा नीचे से, ठीक है, कहाँ पर फर्रो स्लाइस को, ऊपर की सॉइल को काट लेगा। फिर उसके बाद में सेकंड काम होगा लिफ्टिंग, लिफ्टिंग का मतलब उसको ऊपर उठाएगा, थर्ड काम होगा उसको टर्न करेगा, और फोर्थ काम क्या होगा उसको नीचे गिराकर पल्वराइज कर देगा यानी भुरभुरी बना देगा। ये कंप्लीट वर्क किए जाते हैं एमबी प्लो के थ्रू, ये फर्स्ट वर्क है इसका, ठीक है। अब यहां पे अपन बात करते हैं एमबी प्लो की बेसिक डिजाइन कैसी होती है, तो यहां पे देखो एमबी प्लो को रफली अपन बना लेते हैं जिससे समझना आसान हो जाएगा आपके लिए। यहां पे
ये देखो कुछ इस टाइप का होता है ये एमबी प्लो, यहाँ पे ये इसका हैंडल है जहां से ये क्या जुड़ा होता है आपका आपके इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रैक्टर से चला रहे हो तो ट्रैक्टर से जुड़ा है, आप बेलों से चला रहे हो तो बेल से जुड़ा है। बेल में कितना पावर होता है वन पेयर ऑफ ब्लॉक में और ट्रैक्टर का कितना पावर होता है ये सारे अपन ने पावर वाले सेक्शन में देख लिया था। आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि वन पेयर ऑफ बल्क का जो पावर होता है वो वन हॉर्स पावर होता है और एक सिंगल बेल का पावर होता है 0.5 हॉर्स पावर। ये अपन ने स्टार्ट में देखा था। वहीं पर ट्रैक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए जो ज़्यादातर ट्रैक्टर होते हैं वो 20 से 50 एचपी के होते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर आज के टाइम पे यूज़ हो रहे हैं वो 30 से 35 एचपी वाले ट्रैक्टर ज़्यादा एग्रीकल्चर वर्क के लिए यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखो आपके पास में ये एमबी प्लो हो गया। इस एमबी प्लो के पार्ट के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन इज द पार्ट ऑफ एमबी प्लो, एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है कि विच वन इज द नॉट द वर्क ऑफ एमबी प्लो, निम्न में से कौन सा कार्य एमबी प्लो के द्वारा नहीं किया जाता है। तो अगर आपको ये याद है तो आप इनसे समझ जाओ। अब देखो सबसे पहले जो आगे वाला ये वाला पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं सेयर। इस पार्ट को क्या नाम देते हैं? सेयर। इस पार्ट को नाम देते हैं एमबी यानी मोल्ड बॉड। ये वाला जो पार्ट होता है इसको नाम दिया जाता है लैंड साइड, और ये जो पीछे वाला पार्ट आता है इसको नाम दिया जाता है फ्रो। तो ये चार पार्ट हो गए एमबी प्लो के, सेयर, मॉल बॉड या एमबी, लैंड स्लाइड और फ्रो। तो यहां पे बेसिकली कितने पार्ट हो गए? चार पार्ट हो गए। कौन से? सेयर, मॉल्ड बॉर्ड, थर्ड की बात करें तो आपका लैंड साइड, लैंड स्लाइड ही नहीं है लैंड साइड है, और फोर्थ की बात करें आपकी तो फोर्थ हो गया इसका फ्रॉग। तो चार ही इसके मुख्य कार्य थे और चार ही इसके पार्ट है। अब यहां पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्क कैसे करता है। देखो आपने क्या किया, यहां से ट्रैक्टर लगा दिए या फिर वन पेयर ऑफ बल्क लगा दिया, और वो क्या करेगा इसको आगे की तरफ खींचेगा। अब आपने सरफेस के ऊपर इसको रख दिया, अब आगे की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे क्या होता है इसका जो आगे वाला जो सेयर होता है ना ये क्या होता है शार्प होता है। शार्प होने की वजह से क्या करेगा ये सोइल के अंदर नीचे की तरफ पेनिट्रेट करने लग जाएगा, सोइल में नीचे की तरफ चलने लग जाता है। और नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा ये इसको चीरते हुए जाएगा, चीरने का मतलब क्या हो गया कट करता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे देखो जो कटिंग करता है सोइल की वो कौन करता है? आपका सेयर करता है। सेयर का मुख्य कार्य क्या होगा? इसकी कटिंग करेगा। अब देखो कटिंग कैसे कर रहा है, ये देखो आपको ये यहां पे इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं यहां पे साइड में इसकी फोटो दे दूंगा, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कटिंग करता है। देखो यहां पे ये क्या है आपके पास में सेयर है, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया आगे की तरफ चलाया इसको, तो ये क्या करेगा सोइल के अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सोइल की सरफेस ये थी तो ये आगे की तरफ जा रहा है इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ सोइल को नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हुए ले जाएगा, यानी ये सोइल के नीचे घुस जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये सोइल जैसे ये क्या है आपका सेयर है और ये आपकी क्या है सोइल की लेयर है, तो ये नीचे ऐसे जाएगा नीचे चला जाएगा इसके नीचे, तो सोइल इसके ऊपर आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे किस टाइप से कटिंग कर रहा है, अगर कोई चीज ऐसे चल रही है तो कटिंग कैसी हो जाती है? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे जो सेयर कटिंग करता है वो कटिंग कैसी होती है आपकी? हॉरिजॉन्टल कटिंग होती है, वर्टिकल कटिंग कभी भी नहीं होती है, ठीक है। तो कटिंग कैसी होगी आपकी? हॉरिजॉन्टल। अब यहां पे सेकंड बात करते हैं आपके मोल्ड बोर्ड। एमबी क्या करता है? देखो यहां से इस शेर ने मिट्टी काट ली और काट कर कहां कर दी? इस शेर वाले पार्ट पे ले लिया। शेर से कहां चली जाएगी? आपके एमबी पे चली जाएगी। तो एमबी क्या कर रहा है? शेर से मिट्टी को उठा रहा है, यानी मिट्टी को ऊपर की तरफ ले जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? लिफ्टिंग का कार्य कौन कर रहा है? आपके एमबी कर रहा है, मोल्ड बोर्ड कर रहा है। लिफ्टिंग के बाद भी ये कहां जाएगा? यहां जाएगा और यहां पे जा रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? देखो किस टाइप से होता है, इसकी जो शेप होती है ना वो कुछ इस टाइप से होती है कि ये कर्व्ड शेप होती है, जिसकी वजह से क्या होगा एमबी पर ऐसे मिट्टी ऊपर की तरफ जाएगी और ऐसे क्या हो जाएगी टर्न हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है? टर्निंग का कार्य भी यही कर रहा है। और फिर उसके बाद में वो मिट्टी क्या होगी? टर्न होके नीचे की तरफ गिर जाएगी, और नीचे की तरफ गिर रही है इसका मतलब क्या हो रहा है? पलोराइजेशन भी हो रहा है, यानी मिट्टी भुरभुरी भी बन रही है। तो मिट्टी को भुरभुरी बनाने का कार्य भी किसका हो गया? एमबी का हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि सेयर का कार्य क्या है? कटिंग करना, और बाकी जो तीनों कार्य हैं वो एमबी के कार्य हैं।
तो इसका मतलब अब आपके पास में दो पार्ट और बच गए, फ्रॉग और लैंड साइड। तो फ्रॉग और लैंड साइड के क्या वर्क हैं वो भी देख लेते हैं अपन। देखो शेयर का कटिंग का हो गया, लिफ्टिंग टर्निंग और पलोराइजेशन का वर्क हो गया, एमबी का, मोल्ड बोर्ड का हो गया। अब नीचे आता है लैंड साइड। देखो लैंड साइड क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कभी एमबी प्लो तो नहीं देखा होगा, जनरल प्लो चलते हुए देखा होगा। तो जब प्लो चलता है तो एक तरफ क्या होता है, दीवार बनाते हुए जाता है, दीवार रह जाती है। अब देखो इस दीवार से क्या होगा कि ये जो पार्ट है आपका एमबी प्लो का, ये पार्ट अंदर ना जा पाए, यानी आप एक सीधी लाइन में इस प्लो को चलाए, इसलिए लैंड साइड होता है, जो क्या करता है उस मिट्टी की दीवार से सटते हुए आगे की तरफ जाएगा। अब मिट्टी की दीवार से सटते हुए आगे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहा है, उसको मिट्टी से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है कि एमबी प्लो एक सीधी लाइन में चले। तो लैंड साइड क्या होता है, लैंड की साइड में होता है, सोइल की साइड में होता है, सॉलिड लाइन होती है उसके साइड में होता है, जो क्या करता है अपने जो प्लो है उसको एक राइट डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन देता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो लास्ट पार्ट आ गया आपका फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है, सेयर, लैंड साइड और एमबी यानी मोल्ड बोर्ड, तीनों को जोड़े रखने का कार्य करता है, कनेक्शन का कार्य कौन करता है आपका, फ्रॉग करता है। अब यहाँ पे बेसिक इसके जो पार्ट होते हैं, इनमें देखो शार्प पार्ट की कैटेगरी में सेयर आता है, क्यों, क्योंकि इसको क्या होता है मिट्टी को चीरना होता है, चीरने के लिए शार्प पार्ट की कैटेगरी में आता है, बाकी नॉर्मल पार्ट तीनों होते हैं। सारे जो पार्ट होते हैं एमबी प्लो के वो कास्ट आयरन या फिर आपके स्टील के बने हुए होते हैं, जिनमें मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम भी मिक्स होता है। तो इस टाइप के ये क्या होते हैं आपके प्लो होते हैं। अब इस प्लो से ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि जो एमबी प्लो होता है वो वर्क कौन से डायरेक्शन में करता है, कैसे वर्क करता है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहां पे शेयर तो जा रहा है इसका हॉरिजॉन्टल और लैंड साइड नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो कटिंग हो रही है एक्चुअल में सेयर से हॉरिजॉन्टल होगी और वैसे वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में ये वर्क करता है, कटिंग कहाँ करेगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जगह करेगा। ये कंप्लीट एमबी प्लो के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इसके पार्ट से या फिर इसके वर्क से पूछे जाएंगे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब ऐसे बोलने के लिए तो शेयर है ये भी अलग अलग पार्ट टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे जैसे बैंड शेयर हो गया वो अलग अलग टाइप है, लेकिन वो इतना ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पूछता, आपको सिंपल ये चीजें ही पूछता क्या होता है एमबी प्लो। अब यहाँ पे आपके बहुत सारे और भी इंस्ट्रूमेंट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, लेकिन यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है आपके वर्किंग एफिशिएंसी का आता है और देयर लाइफ का आता है, यानी इनकी कितने टाइम की लाइफ होती है। तो इनको अपन के पास इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में जाए, इनके लिए मैं पीडीएफ आपकी आज शाम को 8 बजे टेलीग्राम चैनल अपेक्स स्टडीज पर डाल दूंगा, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले लेना, जिसमें सिंपली आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग लाइफ और उसका मेन वर्क, इसके अलावा उनके जो इम्पोर्टेंट कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि वर्किंग एफिशिएंसी कितनी होती है, तो वर्किंग एफिशिएंसी का ये कम्प्लीटली टेबुलर फॉर्म में शॉर्ट एंड स्ट्रेट आपका अपडेट कर दूंगा, वहाँ से आप उसको पढ़ लो। इसके अलावा अगर कुछ और बेसिक क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे दो चैन होती है उनके भी क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग में, कौन कौन सी चैन होती है, एक तो इंजीनियरिंग चैन होती है और एक गंटर चैन होती है। तो यहाँ पे लेंथ के क्वेश्चन आते हैं, इंजीनियरिंग चेन की लेंथ कितनी होती है और गंटर चेन की लेंथ कितनी होती है। एक आपके प्लो में भी आता है टर्न वेस्ट प्लो, तो यहां पे टर्न वेस्ट प्लो होते हैं ना, वो बेसिकली 180 डिग्री पे मोड होते हैं, 180 डिग्री पे घूमे हुए रहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि टर्न वेस्ट फ्लो कितने डिग्री पर मोल्ड होते हैं। और जो ये फ्लो होते हैं बेसिकली किस साइप का कट लगाते हैं, एल सेप का कट लगाते हैं, तो सेप और 180 डिग्री, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। सेकंड अपन बात कर रहे थे जैसे इंजीनियरिंग चेन की, जो सर्वे करते हैं तब क्या होता है, पटवारी को देखा होगा वो एक चेन लेके चेन से नापता रहता है दूरी। तो दो टाइप की चेन होती है, इंजीनियरिंग चेन और गंटर चेन। अब यहां पे जो इंजीनियरिंग चेन होती है इसकी लेंथ होती है 100 फीट और जो गंटर चेन होती है इसकी 66 फीट होती है। अब बहुत टाइम पे ये मीटर में भी दिया होता है, तो मीटर में आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है। मीटर में आपके लिए सिंपली आपको पता है कि जो आपकी जो मीटर होती है वो कितने में होती है आपकी, 3.33 में,
या अपन बात करें कि जो आपकी 10 फीट होती है, या फिर अपने सिंपली मीटर की बात करें, 10 फीट में 1 मीटर होगी तो 3.33 आ जाएगा आपसे आपसे तो 3.33 से सिंपली आप इसको डिवाइड करोगे जब भी, तो आपका यहाँ पे जो भी आंसर होगा वो मीटर में आ जाएगा। तो मीटर के लिए सिंपली आपको कन्वर्ट कर लेना है, वहां पे आपके लिए कोई ज्यादा है। यहां तक आपके जो मेन क्वेश्चन आते हैं इंजीनियरिंग में वो यही क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता आपका। इसके अलावा जो भी बेसिक आपके ट्रैक्टर के या पार्ट्स वगैरह के हैं वो मैंने आपके ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप वॉच कर लीजिए। और जो रिमेनिंग पोर्शन है शॉर्ट एंड स्वीट में, लाइव क्लास में कल से लेने वाले हैं अपन, तब तक स्टे ट्यून रहिए। धन्यवाद, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं।